श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों का वर्णन है। गीता के ये उपदेश श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन को दिए थे। गीता में दिए गए उपदेश आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं और मनुष्य को जीवन जीने का सही राह दिखाते हैं। गीता की बातों को जीवन में अपनाने से व्यक्ति को खूब तरक्की मिलती है। श्रीमद् भगवद गीता की बातों को अपनाने से जीवन संवर जाता है। इन बातों का अनुसरण करने से व्यक्ति के अंदर से क्रोध ईर्ष्या की भावना खत्म हो जाती है। आइए जानते हैं क्या वो चीज़ें जिसके बारे में श्री कृष्ण ने बताया है। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि किसी काम को करने में डर लगे तो याद रखना, यह संकेत है कि आपका काम वाकई में बहादुरी से भरा हुआ है। गीता के अनुसार नेत्र केवल हमें दृष्टि प्रदान करते हैं, परंतु हम कब किसमें क्या देखते हैं यह हमारी भावनाओं पर निर्भर करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को स्वयं को ईश्वर में लीन कर देना चाहिए। ईश्वर के सिवाय मनुष्य का कोई नहीं होता है। इसके साथ ही यह भी मानकर कर्म करना चाहिए कि वह भी किसी का नहीं है। भोग से मिलने वाला सुख क्षणिक होता है, जबकि त्याग में स्थायी आनंद मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्संग ईश्वर की कृपा से मिलता है, परंतु कुछ संगति में भी मनुष्य अपने कर्मों से पड़ता है। गीता के अनुसार जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आ रहेगा तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लें। बोलो जय श्री कृष्ण।